गुड मॉर्निंग क्लास, शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो नोन एज थ्योरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो चैप्टर है बेसिकली प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक्सटेंशन है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का ही ये एक्सटेंशन है। और इसमें हमें करना क्या है, तो चैप्टर का जो नेम है थ्योरिटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स हमें थ्योरिटिकल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है, एस्टिमेट करना है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें एस्टिमेट करनी है। अब ये एस्टिमेशन कैसे होता है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम आगे इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। लाइक अ कॉइन इज टॉस्ड 10 times, एक सिक्का हमने उछाला है कितनी टाइम, 10 times, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इसमें कितनी बार हेड्स आएगा एंड टेल्स कितनी बार आएगा। 10 times हमने कॉइन टॉस किया है, हेड कितनी बार आएगा और टेल कितनी बार आएगा। लाइक 8 times हेड एंड 2 time टेल, या 7 times हेड एंड 3 times टेल, तो ऐसा क्या नंबर होना चाहिए। तो हमें ये जो इसकी वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी है, इसे एस्टिमेट करना है। अब ये एस्टिमेट कैसे हो सकता है, तो इन्हें एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास क्या चीज रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है हेड आने की प्रोबेबिलिटी। हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो ये हमें पता है चांस ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2, और हमने कितनी बार टॉस किया है, 10 times, तो उस 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 5, तो 5 times क्या आना चाहिए, हेड। 5 times क्या आना चाहिए, हेड। सिमिलरली टेल्स, टेल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 इंटू 10 times हमने टॉस किया है, तो 5 times आएगा टेल्स। सो ऑन 10 tosses ऑफ अ कॉइन 5 times आने वाला है हेड एंड 5 times आने वाला है टेल। क्या एक्चुअल में ऐसा ही होगा, जितनी बार भी हम टॉस करके चेक करेंगे तो क्या एक्चुअल में ऐसा होगा, नो कोई जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कभी 9 और 1 हो सकता है, 8 and 2, 5 and 5, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो हमने कैलकुलेट किया ये क्या है, दिस इज एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी, जिस हम कहते हैं थ्योरिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह की कुछ वैल्यूज हमें एस्टिमेट करनी है इस पूरे चैप्टर में। चलिए फर्स्ट पैरा को रीड करते हैं। अ थ्योरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन इवेंट इन विच फ्रीक्वेंसीज आर ऑब्टेन्ड। हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसीज आर ऑब्टेन बाय मैथमेटिकल कंप्यूटेशन। कुछ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसे फ्रीक्वेंसी को एस्टिमेट कर लिया जाएगा। इट एग्जिस्ट इन थ्योरी ओनली, ये सिर्फ थ्योरिटिकली एग्जिस्ट करता है, एंड इट इज नॉट एक्चुअल और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक्चुअल नहीं है, दिस इज ओनली थ्योरिटिकल, ओनली एस्टिमेटेड। ओके, देन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मे बी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इट कैन बी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डिपेंडिंग ऑन द रैंडम वेरिएबल, कि हम किस वेरिएबल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली यहां पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इट कैन बी डिस्क्रीट एंड एज वेल एज कंटिन्यूअस। अब डिस्क्रीट के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन कवर होते हैं ये हमें याद रखना है। डिस्क्रीट में फर्स्ट पार्ट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड वन इज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट बाइनोमियल एंड सेकेंड पॉइसन, ये दोनों किस में आ गए, डिस्क्रीट में। अब कंटिन्यूस में, कंटिन्यूस में फर्स्ट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो नोन एज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड वन इज काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वेयर, चाई स्क्वेयर नहीं बोलेंगे, कुछ स्टूडेंट बोलते ची स्क्वेयर, इट इज नॉट ची स्क्वेयर, इट इज काई स्क्वेयर। थर्ड वन स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो नोन एज टी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड लास्ट वन इज एफ डिस्ट्रीब्यूशन।
तो ये चार डिस्ट्रीब्यूशन है किसमें, कंटिन्यूस में, एंड टू डिस्ट्रीब्यूशन है किसमें, डिस्क्रीट में. ओके तो हमें इन सिक्स में से कौन से स्टडी करने हैं, हमें स्टडी करना है बाइनोमियल, पॉइसन एंड नॉर्मल. बाकी तीनों डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सिलेबस में नहीं है. वी हैव ओनली थ्री डिस्ट्रीब्यूशंस इन आर कोर्स, ठीक है, बाइनोमियल, पॉइसन एंड नॉर्मल. अब यहां तक का जो बेसिक पार्ट है उस पर कुछ क्वेश्चंस गिवन है वो डिस्कस करते हैं. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, आंसर इज सी डी बोथ एंड बी. सेकेंड, अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, इनमें से डिस्क्रीट कौन सा है, आंसर इज पॉइसन. थर्ड, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज रैंडम, स्टैंडर्ड या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इट इज सिंपली द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. फोर्थ, अ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें से कंटिन्यूस कौन सा है, तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन. फाइव, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज नोन एज, तो हम यहां पर क्या एस्टिमेट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, सो इट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी फंक्शन, फ्रीक्वेंसी फंक्शन. ओके, अब आते हैं हमारे फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे, विच इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस डिस्ट्रीब्यूशन वॉज गिवन बाय जैकब बर्नौली. नेम याद रखना है, जैकब बर्नौली. एंड डिस्क्रीट में जो दोनों डिस्ट्रीब्यूशन है उनमें से सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का. सो इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली यूज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो सबसे ज्यादा यूज जो होता है दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अब इस डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ कंडीशंस है, कुछ शर्तें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है. अब वो कंडीशंस क्या है डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज अ ट्रायल इज परफॉर्म रिपीटेडली एन नंबर ऑफ टाइम. हमने जो ट्रायल है उसको क्या किया है, एन टाइम परफॉर्म किया है. दैट मीन्स टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाइस, ये सब क्या है, ट्रायल है, एक्सपेरिमेंट है. तो हमने उसको एन नंबर ऑफ टाइम थ्रो किया है. अब एन की जो वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, मतलब हमने एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया है, तो वो जो एक्सपेरिमेंट है एन, एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू ऑलवेज होनी चाहिए फाइनाइट. लाइक 10 टाइम्स अ कॉइन इज टॉस, 20 टाइम, 25 टाइम्स, तो एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए. तो इट इज अ फाइनाइट वैल्यू. देन पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. लाइक नंबर ऑफ टॉसेस ऑलवेज पॉजिटिव होगा. ये तो है नहीं कि हमने -5 टाइम कॉइन को टॉस किया है, दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. एंड हैविंग इंटीजरल वैल्यू, दैट मीन्स अ होल नंबर, ऑलवेज होल नंबर होगा. ऐसा नहीं कि हमने 2.5 बार सिक्का उछाला, 2.5 बार कैसे उछाल सकते हैं, नॉट पॉसिबल. 2.5 टाइम्स इट कैन नॉट बी टॉस्ड, सो इट कैन बी 2 और इट कैन बी 3, बट कैन नॉट बी 2.5. ओके, सो वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू फाइनाइट, पॉजिटिव एंड इंटीजुअल वैल्यू, दैट मीन्स अ होल नंबर, डेसिमल में नहीं हो सकती है. दिस इज कंडीशन नंबर फर्स्ट. सेकेंड, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट. यहां पर हम जिस भी इवेंट की बात करेंगे, जो ट्रायल हम यहां पे इंक्लूड करेंगे, वो ट्रायल ऑलवेज कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट. और इंडिपेंडेंट हमने डिस्कस किया था प्रीवियस चैप्टर में. क्या मीनिंग होता है कि जो सेकेंड इवेंट है वो फर्स्ट से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, एंड थर्ड वाला सेकेंड से अफेक्ट नहीं होना चाहिए.
तो ऐसा कोई इवेंट जो दूसरों से अफेक्ट नहीं होता है उसे कहा जाएगा इंडिपेंडेंट। सो कॉइन, डाइसेस, ये जो सारे केसेस हैं, ये कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंट। तो दिस इज द सेकेंड कंडीशन। थर्ड, ईच ट्रायल इज एसोसिएटेड विद टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव आउटकम्स। अब जो आउटकम है वो कैसे होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और साथ में कैसे होंगे? एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब दोनों आउटकम साथ में नहीं हो सकते, और एग्जॉस्टिव उनके अलावा और कोई आउटकम पॉसिबल भी नहीं है। तो ये दोनों आउटकम कौन से हैं? वन इज सक्सेस एंड अदर वन इज फेलियर। वन इज सक्सेस एंड अदर इज फेलियर। दैट इज, हेड या तो आएगा या नहीं आएगा। अगर हेड आता है तो सक्सेस, हेड नहीं आता है तो फेलियर। सो दीज आर द टू आउटकम्स, वन इज सक्सेस एंड अदर इज फेलियर। तो इवेंट्स होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड साथ में एग्जॉस्टिव। तो एग्जॉस्टिव है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? वन। तो सक्सेस इज डिनोटेड बाय पी एंड फेलियर इज डिनोटेड बाय क्यू, और दोनों का सम पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन। दोनों का सम कितना होगा? वन। ठीक है, तो दीज आर द फोर कंडीशंस। एक बार फिर से देख लें, फोर कंडीशन कौन सी है? फर्स्ट वन इज एन, एन मस्ट बी फाइनाइट पॉजिटिव एंड इंटीजरल वैल्यू। एन का मतलब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ ट्रायल्स। सेकेंड, ट्रायल्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट। जो भी हम ट्रायल यहां इंक्लूड करेंगे वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। थर्ड वन, आउटकम्स कितने होंगे? ओनली टू, वन इज सक्सेस अदर वन इज फेलियर। दोनों आउटकम कैसे होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज, और कैसे होंगे? एग्जॉस्टिव। और एग्जॉस्टिव है तो दोनों का टोटल पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज पी इक्वल टू वन माइनस क्यू। और अगर क्यू फाइंड करना है तो q इक्वल टू वन माइनस पी, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। फाइन, तो ये हो गई कंडीशंस फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट हम किस पे? फॉर्मूलेज पे। तो इस चैप्टर में भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, लेकिन फॉर्मूले ज्यादा लेंदी नहीं है। फॉर्मूले इतनी छोटे छोटे से शुरू होते ही फिनिश हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं। फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा है? फर्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ मीन इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन इज डिनोटेड एज स्मॉल m, मीन को हम स्मॉल m लिख सकते हैं, और वी कैन राइट म्यू, वी कैन ऑल्सो राइट एज म्यू। जिसका फॉर्मूला है n इंटू पी, मीन इज इक्वल टू n इंटू पी। सेकेंड वन इज वेरियंस, वेरियंस दैट इज नीटा स्क्वेयर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? n इंटू पी इंटू क्यू, n पी क्यू, दिस इज वेरियंस। एंड अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो इसका स्क्वेयर रूट कर देंगे, सो रूट ऑफ एन पी क्यू, रूट ऑफ एन पी क्यू। थर्ड वन, नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स एंड क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। दिस इज द फॉर्मूला एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स एंड क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। ओके,
So first formula is mean n into p. Second one is variance npq. Standard deviation will be root of npq. And probability will be ncx, p to the power x and q to the power n minus x. So here n means what? N ka matlab kya hai? Number of trials. Kitni baar humne experiment kiya hai? And x kya hoga? X is the required number. Hame jo calculate karna hai, hame jo find out karna hai, to us required number ko hum kya keh rahe hain? X. P is probability of success and Q means probability of failure. Fine? Like, 5 coins are tossed. 5 coins are tossed. What is the probability of getting 2 heads? So, 2 heads aane ke chances kya hai? To, jab aisa question aata hai, to hume kya values required hai? N, X, P, and Q. Ye sab hume calculate karna hai. So, 5 coins hai. To, number of trials kitne ho gaye? 5. X ka matlab required number. Heads kitne required hai? 2. P means probability of success. To head occur hone ke chances 1 by 2. And Q ka matlab hai probability of failure. That means nahi aane ke chances. That is also 1 by 2. To probability calculate karne ke liye hamesha ye 4 values hame required hai. ये 4 वैल्यू हमें रिक्वायर्ड होगी, ठीक है? नाउ वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर सकती है? x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0, बिकॉज इट कैन नॉट बी नेगेटिव. नंबर ऑफ हेड्स की अगर हम बात करें तो नेगेटिव तो नहीं आ सकते, बट 0 हेड जरूर आ सकता है. तो x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी एंड इट कैन एक्सटेंड अप टू n. नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर 5 है तो मैक्सिमम हेड कितने आ सकते हैं? 5. नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर 10 है तो मैक्सिमम हेड्स कितने आ सकते हैं? 10. उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है. तो वैल्यू ऑफ x विल लाई फ्रॉम 0 टू n. 0 से n के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है. एंड अगर हम सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे, दैट मींस उनका सम कितना जाता है? 1. सारे इवेंट्स मींस एग्जॉस्टिव इवेंट्स, और एग्जॉस्टिव के अंदर प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1. तो ये हो गए सारे फॉर्मूलेज जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के. फाइन. अब आते हैं पहले कुछ क्वेश्चंस पे. क्वेश्चन नंबर 6. द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्नौली ट्रायल. बर्नौली या कहते हैं बाइनोमियल के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? फर्स्ट वन इज ईच ट्रायल इज एसोसिएटेड विद जस्ट 2 पॉसिबल आउटकम्स. ये हमने पढ़ा है, करेक्ट है. बी, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड, ट्रायल्स आर इनफाइनाइट. नो, इनफाइनाइट नहीं होता है, इट इज ऑलवेज फाइनाइट. तो सी इज रॉन्ग. करेक्ट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी. बोथ ए एंड बी. 7. व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स. कॉइन को 10 टाइम टॉस किया है, देन इट फॉलोज विच डिस्ट्रीब्यूशन. नंबर 10 is finite value, positive value and a whole number. Coin ka case hai, that means independent. Then 2 outcomes, success and failure, and sum bhi kitna hoga? 1. It means sari condition binomial distribution ki fulfill ho rahi hai. So option number C. 8th, when there are fixed number of repeated trial. Fixed matlab finite value.
of an experiment under identical condition, for which only one of the two mutually exclusive outcome, only two mutually exclusive outcome, that is success or failure. तो सारी condition आ चुकी है, so this follows binomial distribution. ठीक है, तो ये सारे question थे conditions के ऊपर based on some conditions. अब हम पहले इसकी कुछ properties को पढ़ लेते हैं. पॉइंट नंबर डी, फर्स्ट पॉइंट देखें क्या लिखा है. वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज लेस देन इट्स मीन. वेरिएंस की वैल्यू किससे कम होती है? मीन से. ये लिखा है हमारे पॉइंट नंबर फर्स्ट में. वेरिएंस इज लेस देन मीन. अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो लाइक एक एग्जाम्पल लेते हैं. अगेन कॉइन वाला एग्जाम्पल है. 5 times हमने टॉस किया है, 5 times हमने टॉस किया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads जो हमारा क्वेश्चन था. अब हमें इसके लिए वेरिएंस एंड मीन कैलकुलेट करना है. तो वैल्यू ऑफ एन इज 5, पी कितना है 1/2 एंड क्यू इज ऑल्सो 1/2. नाउ फॉर्मूला फॉर मीन इज एन इंटू पी एंड वेरियंस का फॉर्मूला है एन पी क्यू. अब मीन की वैल्यू कितनी आएगी? 5 × 1/2 दैट इज 5/2 एंड वेरियंस की वैल्यू कितनी आएगी? 5 × 1/2 × 1/2 दैट इज 5/4. तो मीन की वैल्यू क्या आ गई? ग्रेटर एज कंपेयर टू वेरियंस. सो मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरियंस इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट. बाइनोमियल में मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरियंस. सेकेंड, वेरियंस ऑफ एक्स अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू. वेरियंस की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी. कब? व्हेन पी इज इक्वल टू क्यू. जब पी एंड क्यू दोनों की वैल्यू इक्वल होगी एंड वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0.5. व्हेन बोथ ऑफ देम आर इक्वल, पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 0.5, तो उस केस में वेरियंस की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम. और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? दैट इज एन बाय 4. वो मैक्सिमम वैल्यू होगी n/4. अभी n/4 कैसे आया? तो वेरिएंस का फॉर्मूला हमें पता है एन पी क्यू. एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. पी एंड क्यू हमें दे रखा है 0.5, दैट मीन्स 1/2 एंड 1/2. तो वेरिएंस कितना आ गया? n/4. क्लियर? तो वेरिएंस n/4 से कभी ग्रेटर नहीं हो सकता. लेस हो सकता है बट कभी भी ग्रेटर नहीं होगा. देन थर्ड, इफ p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 0.5, अगर ये दोनों इक्वल है देन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? सिमेट्रिकल होगा. यह हमें याद रखना है. सिमेट्रिकल पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं. सिमेट्रिकल मींस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो जहां पे पी एंड क्यू दोनों की वैल्यू सेम है देन इट इज नोन एज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. देन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूनिमॉडल और बाइमॉडल. मॉडल का मतलब यहां पे क्या है? मोड. यूनि मीन्स वन मोड एंड बाय मॉडल मीन्स टू मोड. सो यहां पर एक मोड भी हो सकता है और दो मोड भी हो सकते हैं, यूनि और बाय मॉडल. नेक्स्ट इज 5, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज नोन एज बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन.
Now, what is this biparametric? Bi means two. And parametric ka matlab hai parameters. To binomial distribution mein kitne parameter hote hain? There are two parameters. Ye two parameters kaun se hain? First is n and second one is p. अब पैरामीटर से हमारा क्या मतलब है? पैरामीटर का मतलब ऐसी वैल्यू जो अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर ये वैल्यूज हमारे पास है तो हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं. लाइक फोर फॉर्मूलेस हमने ऊपर पढ़े थे. मीन का फॉर्मूला n इंटू पी. तो अगर n और p दोनों अवेलेबल है तो मीन कैलकुलेट हो सकता है. देन वेरियंस NPQ को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड प्रोबेबिलिटी X की किसी भी वैल्यू पे हम प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जिसकी हेल्प से हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं. मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड इवन प्रोबेबिलिटी. तो इसलिए इन दोनों को कहा जाता है पैरामीटर. तो इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर टू पैरामीटर. First is n, second is p. Okay. Sixth, sum of powers of p and q is always n, whatever be the number of successes. अब जो हमने formula लिखा था किसका? Probability का. N c x p to the power x and q to the power n minus x. तो इनमें p and q की जो पावर है इनका सम. तो पावर कितनी है? x and n minus x. तो इनका सम कितना होगा? n. ये लिखा है पॉइंट नंबर सिक्स में. p and q की जो पावर्स है उनका सम ऑलवेज क्या होगा? n. एंड द लास्ट वन, मेथड अप्लाइड टू फिट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज मोमेंट्स मेथड और मेथड ऑफ मोमेंट. इस मेथड का नेम हमें बता रखा है मोमेंट्स मेथड या मेथड ऑफ मोमेंट. ओके, फिर से एक बार सेवन पॉइंट्स को रिकॉल कर लेते हैं. सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट में लिखा था वेरियंस is always less than mean in case of binomial distribution. Second, variance of x attains its maximum value when p is equal to q is equal to 0.5. और वो maximum value कितनी होती है? n upon 4. Then third, if p and q are equal, that is 0.5, then binomial distribution is symmetrical. Then fourth point, binomial distribution can be unimodal or bimodal, that means one mode or two mode. Next, five, binomial distribution have two parameters. First is n and second one is p. So it is known as biparametric distribution. Then sixth one, sum of powers of p and q is always equal to n. Inki power ka sum kitna hota hai? N. 7. Method applied to fit the distribution is known as moments method. इसे moment method कहा जाता है. अब इस पे based कुछ questions हैं, वो करते हैं. Question number 9. Binomial distribution is symmetrical if. Kab hoga symmetrical? When P is equal to Q. 10. If P is greater than 0.5. P 0.5 se greater hai. To Q kya hoga? Less than 0.5. Then binomial distribution. To us case mein kya binomial distribution symmetrical hoga? No. To kya kahenge? It will be asymmetrical. Option number A. 11.
फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड मोड, मीन एंड मोड क्या ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे? तो हमने सेंट्रल टेंडेंसी में डिस्कस किया था इन केस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और वी कैन से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, तीनों की वैल्यू इक्वल होती है। और ऐसा कब पॉसिबल है? जब p एंड q इनकी वैल्यू कितनी हो, 0.5। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सा ऑप्शन बेस्ट सूट होगा? मीन एंड मोड आर इक्वल व्हेन q इज 0.5। 12. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरियंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n एंड p, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? n by 4. 13. एन एग्जाम्पल ऑफ बायपैरामेट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायपैरामेट्रिक टू पैरामीटर्स, इसका एग्जाम्पल हुआ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन नंबर ए। 14. द मेथड यूजुअली अप्लाइड फॉर फिटिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज मेथड ऑफ मोमेंट्स, ऑप्शन नंबर बी। 15. इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन नंबर ए, मीन इज ग्रेटर देन वेरियंस। 16. फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देयर मे बी वन मोड और टू मोड, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। 17. द वेरियंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स एन एंड पी इज, वेरियंस का फॉर्मूला, वेरियंस का फॉर्मूला है एन पी क्यू, बट क्या ये ऑप्शन में अवेलेबल है? नो। तो फिर कौन सा ऑप्शन बेस्ट सूटेबल है? पी कैन बी रिटन एज 1 माइनस क्यू, और ऐसा लिखा है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके। 18. इफ एक्स इज अ बाइनोमियल वेरिएबल विथ पैरामीटर्स एन एंड पी, एन एंड पी आर द टू पैरामीटर्स, देन एक्स कैन अज्यूम, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? फर्स्ट ऑप्शन इज एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड n। क्या 0 और n के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है? नो, डेसिमल वैल्यू तो नहीं आ सकती, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकेंड, एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड n, फिर से वही बात, ये भी गलत। एनी होल नंबर बिटवीन 0 एंड n एंड बोथ इंक्लूसिव, तो होल नंबर तो आता है, तो 0 से लेके n तक कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके।